Hello everyone, it's time once again to analyze and discuss wonderful stories written by your kids. हमारी लाइफ बहुत सारे चैलेंजेस से भरी होती है. एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ हैज गॉट लॉट ऑफ चैलेंजेस और उसको उस चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए अपने आप को टॉप पोजिशन पे पहुंचाना होता है और हर इंसान चाहता है कि वो अपने लाइफ में बेस्ट कर पाए और उस बेस्ट को करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है. बट द ओनली चैलेंज इज कि वेदर वी नो व्हाट इज द बेस्ट और नॉट, व्हाट इज द राइट और नॉट, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड. हर व्यक्ति जो इस धरती पे आया है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक अपनी इनबॉर्न इंटेलिजेंस है. उसको सही टाइम पर अगर कोई पहचान लेता है और उस पर काम कर लेता है, वो सही टारगेट को हिट कर लेता है. और अगर वो नहीं पहचान पाता तो जिंदगी भर वो गोल गोल घूमता रहता है और लास्ट में एंड में आके वो रियलाइज करता है कि काश मैं ये कर लेता तो शायद ज्यादा बेटर रहता. आज हमारा डिस्कशन, आज हमारी स्टोरी के एनालिसिस कुछ इसी तरह है. एक पिक्चर है जिसपे एक टारगेट दिया है और एक व्यक्ति उस टारगेट पर निशाना लगा रहा है. ऐसी पिक्चर आपके बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टोरी में वीव करी है. सो लेट मी स्टार्ट विद वंशिका. यू हैव रिटन इट वेरी क्विकली, वेरी इंस्टेंटली. योर टाइटल इज टैलेंट इज टारगेट एंड द स्टोरी विच यू हैव रिटन इज अबाउट सलीम. एक सलीम बच्चा जो होता है वो बहुत ही पैशनेट सिंगर है, बहुत ही ज्यादा, और म्यूजिक उसकी लाइफ है. बट उसका पैशन लाइफ के चैलेंजेस के सामने कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है. उसके फादर उसको सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो एक छोटे से कुक होते हैं और फाइनेंशियली वीक होने की वजह से उसके पैशन को सपोर्ट नहीं कर पाते. लेकिन वो सलीम कहीं ना कहीं अपने पैशन को छोड़ता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है ये सोच के कि आज की स्थिति मेरी ठीक नहीं है, मैं भी पापा की तरह कुक बनता हूं. क्योंकि हर बच्चा अपने पेरेंट्स को एडमायर करता है, उनकी तरह कुक बनके वो कुछ पैसा जोड़ता है, सोचता है कि मैं पैसा जोड़ के शायद मैं कुछ आगे म्यूजिक में कर पाऊंगा. बट लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एज आई सेड. जैसे ही वो पैसा कुछ जोड़ता है, सोचता है कि मैं कुछ पैशनेटली अपनी सिंगिंग के लिए कुछ काम करूंगा, उसके फादर बीमार हो जाते हैं और उनके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठाने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा देता है. वंस अगेन वैसे ही वो वहीं पर आ जाता है जहां से उसने शुरुआत करी थी. लाइफ इज लाइक अ सांप सीढ़ी जिसको हम कभी कभी खेलते हैं और जब सांप काट लेता है तो वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं. ठीक उसी प्रकार से सलीम के साथ हुआ. बट उसने अपना पैशन नहीं छोड़ा किसी भी स्थिति में. उस पैशन को लेकर वो हमेशा अपना रियाज करता रहा. हालांकि आज उसके बिल्कुल पड़ोस में म्यूजिक टीचर रहते थे, उनका जो वो कानों से सुन पाता था, वो सुन सुन के वो अपनी प्रैक्टिस करता था. एंड वन फाइन डे उसको एक व्यक्ति मिला जिसने उसको सपोर्ट किया एंड फाइनली ही हैज रीच्ड टू दैट पोजीशन कि वो एक बहुत बड़ा सिंगर बना. सो दैट्स द स्टोरी, ब्यूटिफुल स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी, राइट, एंड अ वेरी गुड मोरल एज वेल. इफ समवन इज टैलेंटेड एंड पैशनेट एंड फोकस्ड देन ही शुड नॉट लूज होप. उसको फोकस रहना चाहिए. गुड स्टोरी रिटन बाय यू वंशिका. नेक्स्ट इज अभिनव अहलुवालिया. योर टाइटल इज गेटवे टू सक्सेस. गेटवे टू सक्सेस स्टोरी, इसमें आपने बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल दिया. इसमें आपने एल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जाम्पल दिया है, इसमें एडिसन का एग्जाम्पल दिया है. 1000वां टेस्ट था जिसमें उन्होंने एडिसन सक्सेसफुल हुए थे. 999 स्टेप्स में वो फेल हो गए थे, इतने टेस्ट करने पर फेल हो गए. तो लाइफ में अगर हम किसी चीज के लिए पैशनेट हैं तो उसके लिए हमें होप नहीं छोड़नी है. जैक मा का आपने दिया जो चाइनीज बिजनेसमैन है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए. आपकी स्टोरी भी एक चेस प्लेयर की है जिसमें पैशनेटली चेस खेलना चाहता है. उसने चेस खेला, नेशनल लेवल पे खेला, इंटरनेशनल लेवल पे खेला और अपने आप को बहुत बड़ा चेस प्लेयर बनाया, वर्ल्ड चैंपियन बनाया. बाद में वहां से वो डाउनफॉल हुआ बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड. हमारी लाइफ में सक्सेस आ सकती है हमारे पैशन की वजह से, बट हमारी लाइफ में
एटीट्यूड अगर आ गया तो हमको कहीं से भी नीचे गिरा सकता है. दैट्स अ ब्यूटिफुल पार्ट यू हैव यू नो मेंशनड आउट देयर. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सेट गोल्स इन लाइफ. एंड इफ यू डोंट नो वेयर टू गो हाउ टू गो देन वी आर इन ए सिचुएशन इन ए डिलेमा कि हमें कहाँ जाना है. सो दैट्स अ गुड स्टोरी रिटन बाय यू. योर मोरल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. एम टुवर्ड्स योर गोल एंड नेवर फॉरगेट कि आप कहां से आए हैं. फ्रॉम वेयर यू हैव कम. सो गुड स्टोरी रिटन बाय यू. नेक्स्ट इज कृष्णा. कृष्णा यू हैव रिटन अ वेरी गुड स्टोरी एंड योर एक्चुअली यू हैव गिवन एग्जाम्पल राइट इन द बिगनिंग. एक पेंसिल का एग्जाम्पल दिया. यू नो वी आर जस्ट लाइक अ पेंसिल. बाहर से देखने पर अपने आप को बहुत अच्छे से हम लोग ड्रेसअप करते हैं. द वे यू नो द न्यू पेंसिल लुक्स लाइक एंड बाहर से बहुत अच्छी लगती है बट उसको हम शार्पन जब करते हैं तो उसके अंदर से लेड होता है. पेंसिल इन इज इन साइड इज बिकॉज ऑफ द लेड वी कैन राइट. सो लेड उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पेंसिल को पहचाना जाता है. अगर लेड निकाल देंगे तो पेंसिल का कोई मीनिंग नहीं है हमारी लाइफ में. वो एक सिंपल वुड का छोटा सा टुकड़ा हो जाता है. सो सिंपली हम भी अपनी लाइफ में अंदर से हमारे कोई पैशन है जिस पैशन को हमें पहचानना बहुत जरूरी है. बाहर से हम जितना भी अच्छा लग सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका टैलेंट ही आपकी पहचान होती है. दैट्स अ गुड स्टोरी यू हैव रिटन. एंड स्टोरी इज आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी पार्ट एज वेल बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को कनेक्ट करती है और टच करती है. एक लड़की जो कंप्यूटर डिजाइनर बनना चाहती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी, वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं डेविएट हो जाती है. समाज के लोग बहुत सारी बातें करते हैं. दे डिस्कस मेनी थिंग्स व्हेन पीपल अराउंड यू एंड वी गेट डेविएटेड टू अ डिफरेंट माइंडसेट ऑल टुगेदर. वो बच्ची जो कंप्यूटर के लिए पैशनेट थी वो बाद में उसको लगा कि शायद कंप्यूटर से उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, उसको टीचर बन जाना चाहिए. उसके लिए वो बीएड करती है एंड जब वो बीएड कर रही होती है एंड समबडी एल्स केम इन टू हर लाइफ एंड ही सेड कि रादर एडवाइज कि आप टीचिंग जॉब इज नॉट वेरी लुक्रेटिव नाउ एंड आपको आपको एक लॉयर होना चाहिए बिकॉज देर आर न्यूमरस केसेस आउट देयर इन द सोसाइटी एंड वंस यू बिकम अ लॉयर आपको बहुत ज्यादा लेविश लाइफ स्टाइल मिल सकती है और आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं. उसको एकदम से वो माइंड को स्विच करती है और वो शी स्टार्टेड हिटिंग फॉर ए लॉयर एंड फाइनली एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द लाइफ शी डिडंट डू एनीथिंग इन हर लाइफ एंड वो रिग्रेट करती है कि काश मैं एक चीज पर फोकस करती और उसी को पैशनेटली आगे बढ़ाती तो शायद मैं कुछ कर पाती. लास्ट में वही गर्ल जब अपने सामने एक बच्चे को देखती है ग्राउंड में, वो ही वाज डिगिंग अ होल इन ऑर्डर टू टेक आउट वाटर. ही डिग्ड आउट अराउंड 100 होल्स एंड ही डिडंट टेक इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. शी केम क्लोज टू हिम एंड शी टोल्ड हिम, देखो बेटा एक ही होल में अगर आप थोड़ा सा भी एक या दो फिट और ज्यादा मेहनत करते तो उसमें से पानी निकल आता. उसको और डिग करते तो पानी निकल आता. तो लाइफ में हमारी लाइफ में ऐसे ही होता है. हम लोग कई बारी टूट जाते हैं एक चीज को फोकस करते करते. तो वी शुड नॉट लूज होप. उसमें बहुत थोड़ा सा ही एफर्ट रह जाता है. द मोमेंट वी डू लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट वी कैन गेट मेनी थिंग्स एज अ रिवॉर्ड इन आवर लाइफ. इट्स अ गुड स्टोरी यू हैव रिटन. एंड नाउ बरिका. बरिका एंड आदित्य श्रीवास्तव, यू बोथ ऑफ यू योर स्टोरीज आर सेम एग्जैक्टली सेम कंटेंट. Although your title is different, Aditya Srivastava, the little champion, your title is follow your passion, and Barika, your title is hard work to achieve goal. And your story is there's a story about a son who goes to his father, and you know, वो अपने father के पास जाके break down हो जाता है. And the moment he broke, he said, Baba, I can't do anything. मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाऊंगा. ही वॉन्टेड टू बिकम सम प्लेयर एंड उसके फादर उसको समझाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं कि लाइफ में बेटा एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास कोई चीज है तो वो है आपका आपका पैशन, आपकी सोच. अगर आपने सोच से ही छोड़ दिया तो यू कैनॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. सो यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल, ऑन योर पैशन, ऑन योर एम. And in case अगर आप उसको छोड़ दोगे तो यू विल नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. उसके फादर ने उसको बहुत अच्छे से काउंसिल किया, फॉलो योर पैशन, बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड एंड सेक्रीफाइस
above all, and don't let anyone else to limit your goals. आपकी लाइफ में एक लाइफ आपको मिली है, इस लाइफ में ही आपने सब कुछ अचीव करना है, कोई और अपने ड्रीम्स आपसे पूरे ना करा ले। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है हमारी लाइफ में कोई और बैठा हो जो अपने ड्रीम्स आपसे पूरे करा रहा हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ड्रीम्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर इनबॉर्न इंटेलिजेंस, यू नीड टू वर्क आउट योर पैशन, यू नीड टू वर्क आउट योर इनबॉर्न एबिलिटी, राइट। सो हमारे को नहीं समझ में आती, इनिशियली हमारे को नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे वी कैन अंडरस्टैंड कि यस दिस इज द बेस्ट आई हैव गॉट। इसीलिए वी कैन डू वन एक्सरसाइज जहां पर एक तरफ हम लिख सकते हैं दिस इज द बेस्ट आई हैव गॉट एंड दिस इज द वर्स्ट आई हैव गॉट, एंड आउट ऑफ दीज 4, 5, 6 बेस्ट व्हाट इज द अल्टीमेट बेस्ट आई हैव गॉट। सो दिस इज द सिंपल एक्सरसाइज वी कैन डू। मूविंग फॉरवर्ड, अनुश्री योर टाइटल इज कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू सक्सेस, and it's a good story you have written. It's a story about a boy Kaushik jo ki apne father, his father was cheated by people and he wanted to become a lawyer because wo chahta tha ki jaise mere father ko cheat kiya gaya aise kisi aur ko cheat na kiya jaye, uske liye I should become a lawyer, and wo chahta hai ki logon ki help kare. It's a good story. He became a lawyer and because of his passion to become a lawyer, and beech mein bahut sare log aaye jinhone kaha ki you can't do anything out of it, you are just wasting of your time, but he became a lawyer, a very successful lawyer. It's a good story. Moral is, goal is an idea of future we complete with determination. So we, unless and until we have determination, we can't achieve our goal. Next is Raghav, your title is Dream to Become an Actor. आपने स्टोरी ली है शाहरुख खान की, उनके बैकग्राउंड को उठा के लिया है, इट्स अ रियल टाइम स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी, दैट्स गुड यू हैव टेकन इट। दैट स्टोरी स्पीक्स वेरी यू नो हार्डशिप डन बाय शाहरुख खान, किस कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से, इनके फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक सिंपल कैंटीन चलाते थे, वहां से वो इंडिया का एक सुपरस्टार बना, फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश किया। इट्स नॉट एन इजी टास्क, ये कहना बहुत आसान होता है बट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए उसने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया। द मोमेंट यू सी हिम यू नो टॉकिंग ऑन स्टेज, ही टॉक्स विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आया, वो रियाज था जो उसके पास्ट में, जिस टाइम कॉलेज, जिस टाइम स्कूल में था, जो हम कहते हैं आपसे वर्ड एंड वोकैबुलरी का आप अपना बैंक बनाओ, मिरर एक्सरसाइज करो, एंड दीज मिरर एक्सरसाइज इन टाइम विल कन्वर्ट इनटू अ स्टेज वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल बी टॉकिंग, यू विल बी टॉकिंग फ्लॉलेसली, फ्लुएंटली। यू नो यू कैन डू मेनी थिंग्स बट राइट नाउ दिस इज द राइट टाइम टू वर्क अपॉन योर फ्यूचर, राइट। सो नेक्स्ट इज, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी राघव यू हैव रिटन। नेक्स्ट इज रिधिमा अग्रवाल। रिधिमा, योर टाइटल इज बिकम सक्सेसफुल एंड योर मोरल इज नेवर गिव अप, ट्राई अगेन एंड अगेन, वन डे यू विल बिकम सक्सेसफुल। ये एक कहानी है जो आपने लिखी है, एक व्यक्ति जो जंगल में फंस जाता है और वो इतनी ट्रबल में होता है कि वो उसको कहीं पानी भी नहीं मिलता। भूखा तो होता है वो बेचारा, बट उसको पानी भी नहीं मिलता और ही वॉज हंग्री एंड थर्स्टी, एंड फाइनली वो अपनी होप नहीं छोड़ता है एंड ही फाउंड हट इन साइड द जंगल, और उस हट को देखकर उसको ऐसा लगता है जैसे उसको एक नया जीवन मिल गया। उस हट के अंदर जाता है और उस हट के अंदर जाकर उसको देखता है तो वहां पर एक हैंडपंप लगा होता है। सो ही टुक ए डीप ब्रेथ कि वाओ आई फाउंड समथिंग ग्रेट, और वो उस दिन उसको पानी की वैल्यू समझ में आती है। वो हैंड पाइप चलाता है तो देखता है कि वो सूखा हुआ है, एंड व्हाट हैपेंड कि सामने वो देखता है कि एक पॉट रखा है जिसमें पानी है। उस पॉट को उठाता है, पानी पीता है, पानी पीते पीते देखता है पॉट पे चिट लगी होती है कि इस पानी का यूज हैंड पंप चलाने के लिए आप कर सकते हैं। ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी वीव करी है बेटा, इसमें आपने बहुत अच्छी उसकी हार्डशिप्स डाली हैं, मोरल्स डाले हैं, और इन सब स्टोरी से जो हम इसका एक जो जिस्ट निकालते हैं, द जिस्ट इज कि हमें लाइफ में अपने अंदर से
अपने टैलेंट को ढूंढना है और उस टैलेंट को फोकस करना है। आई वुड लाइक टू शेयर यू अ स्टोरी ऑफ अ माइका खन्ना। हार्डली अ ईयर बिफोर शी केम अलोंग विद हर फादर एंड डिस्कस्ड अबाउट द पैशन एंड डिस्कस्ड अबाउट द करियर। सो शी वॉज इन क्लास 6th एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ लॉन टेनिस प्लेयर। हर फादर ऑल्सो वॉन्टेड टू परस्यू हर पैशन। So finally, after a long marathon of discussion, we found that she is actually wanting to pursue her career as a passionate lawn tennis player. But what about the studies? And believe on me, she is damn good in maths and science, and she is a very good communicator, and she is a passionate lawn tennis player. She gave around 6 hours daily. सिर्फ 2 साल की मेहनत। हमने उसको अपने अपने इवेंट में भी बुलाया और उस इवेंट में बुला के उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया और इस बात को इंश्योर किया कि शी वन डे शी विल बिकम अ लॉन टेनिस प्लेयर ऑन ए नेशनल लेवल ऑन इंटरनेशनल लेवल। टुडे शी इज टैग्ड एज नेशनल प्लेयर। आज वो 8th क्लास में है एंड शी इज टैग्ड एज ए नेशनल प्लेयर ऑफ इंडिया। जब भी उसके बारे में लिखा जाता है तो राष्ट्रीय खिलाड़ी लिखा जाता है। दैट्स अ बिग अचीवमेंट शी हैज डन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन 2 years ऑफ स्पैन शी ब्रोक मेजर स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स, हरियाणा चैंपियनशिप एंड अदर स्टेट चैंपियनशिप। सो शी इज नाउ ऑन द रैंक ऑफ 24th इन इंडिया, राइट? इट्स अ बिग अचीवमेंट। लीविंग अ पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमारी लाइफ में वी हैव गिवन वन सिंगल लाइफ। We have one single life and we need to achieve big things in our life. व्यक्ति को अपने आप से ये जरूर कहना चाहिए कि मैं एक दिन सक्सेस जरूर पाऊंगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। अपने मोरल को कभी डाउन नहीं होने देना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय फॉर नाउ।